नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा शिक्षण कौशल का जो टॉपिक चल रहा था उसमें हमने सामेसी शिक्षा वाले पार्ट का जो थ्योरी वाला पोर्शन था वो पढ़ चुके थे। आज हम सामेसी शिक्षा के रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए थे उसको कवर किया जाएगा। तो अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। ये हम आपको शिक्षण कौशल का टॉपिक एक्स रीड पब्लिकेशन की जो एक बुक आती है उसी से मैं आपको करा रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, एक्स रीड पब्लिकेशन की बुक आती है, इसमें 10 नंबर का प्रश्न जो है शिक्षण कौशल से बनता है, तो उसी 10 नंबर की तैयारी मैं यहाँ से आपको करा रहा हूँ। और आपको बता दूँ कि इसकी PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर चले जाइए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्त, आप चलते हैं सीधे और अपने टॉपिक पर, प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न नंबर पहला कह रहा कि सामान्य तथा विशिष्ट क्षमता वाले बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान करना आप क्या होता है वो आपको बताना है। जहां पर सामान्य और विशिष्ट जो क्षमता वाले बालक होते हैं उनको एक साथ शिक्षा प्रदान किया जाता है, किसमें प्रदान किया जाता है। तो अगर आप टॉपिक पढ़े होंगे थ्योरी वाला पोर्शन, तो उसमें साफ साफ बताया गया था कि सामेसी शिक्षा के लिए, ये सामेसी शिक्षा में इन बालकों को एक साथ पढ़ाया जाता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर वही चीजें लिखा गया है कि सामान्य तथा विशिष्ट क्षमता वाले बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान करना सामेसी शिक्षा कहलाता है। सामेसी शिक्षा एक शिक्षण प्रक्रिया है, इसमें विशेष शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला हमारा प्रश्न है कि श्रवण अक्षमता प्रदर्शित करने वाले छात्रों को शिक्षा दी जानी चाहिए। श्रवण अक्षमता प्रदर्शित करने वाले छात्रों को शिक्षा दी जानी चाहिए, कैसे शिक्षा देनी चाहिए अगर उनको सुनने में कोई दिक्कत हो तो कैसे शिक्षा देंगे उनको जो सुन नहीं पाते हैं, उनको हम सांकेतिक भाषा में शिक्षा देंगे। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। और अंधे बालकों को जो है ब्रेल लिपि से शिक्षा दी जाती है, तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं, श्रवण अक्षमता प्रदर्शित करने वाले छात्रों को सांकेतिक भाषा में शिक्षा दी जाती है। ब्रेल लिपि नेत्रहीनों को पढ़ाने और लिखने में छू कर व्यवहार में लाई जाती है। इस पद्धति का आविष्कार 1921 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुइस ब्रेल ने किया था। याद रखिएगा, फ्रांस के रहने वाले, 1921 में खोजा था। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर तीसरा पर, समझना और मौलिकता, व्याख्यान, सृजनात्मकता आदि किसके गुण है। समझना, मौलिकता, व्याख्यान, सृजनात्मकता आदि किसके गुण है आपको बताना है। तो ये सब गुण किसके हैं, हम थ्योरी वाले पोर्शन में ये पॉइंट बात किया था, ये सभी प्रतिभाशाली बालकों के गुण होता है। ध्यान रखिएगा, ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। समझना, मौलिकता, व्याख्यान, सृजनात्मकता आदि प्रतिभाशाली बालकों के गुण होते हैं। क्रो के अनुसार प्रतिभाशाली बालक दो प्रकार के होते हैं। पहला, ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक हो, और वे बालक भी प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते हैं जो किसी विशिष्ट क्षेत्र जैसे कला, नृत्य, संगीत, खेल आदि में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, तो वो भी प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं, और अगला और भी पॉइंट है, टर्मन के अनुसार प्रतिभावान बालक शारीरिक विकास, शैक्षणिक लब्धि, बुद्धि और व्यक्तिनिष्ठ में वरिष्ठ होता है। क्रो के अनुसार जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें मंद बुद्धि बालक कहा जाता है। मंद बुद्धि बालक की निम्न विशेषताएं हैं उसको समझते हैं। क्या है विशेषताएं? सीखी हुई बात का प्रयोग नई परिस्थितियों में कठिनाइयों से कर पाते हैं। कार्य कारण के संबंध में सही धारणाएं बनाने में असफल होते हैं। ये दूसरों के बजाय अपने अधिक चिंतित रहते हैं, और सामाजिक मान्यताओं के संबंध में इनके दृढ़ विश्वास होते हैं। इनका व्यक्तित्व अनुपयुक्त होता है, जो व्यक्तित्व देखने वाला होता है वो अनुपयुक्त होता है, तो वो मंद बुद्धि बालक के अंतर्गत आ जाते हैं।
प्रश्न नंबर चार कह रहा है वाक क्षमता में संबंधित, वाक क्षमता में जो भी त्रुटियां होती है उसको क्या कहा जाता है, वाक क्षमता में जो कमी होती है। तो वाक क्षमता में अगर हम कमी की बात करें तो वह होता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया को हम वाक क्षमता में कमी को प्रदर्शित करते हैं, संबंधित करते हैं। आइए इसका थ्योरी वाला पोर्शन देखते हैं, महत्वपूर्ण है। देखिए डी वाला विकल्प सही है। डिस्फेसिया वाक क्षमता से संबंधित है, अधिगम से संबंधित प्रमुख विकार को जो ब्रिटिश कोलंबिया 201 एवं ब्रिटिश के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित हुई सपोर्टिंग स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी ए गाइड ऑफ टीचर्स निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? डिसलेक्सिया, पठन और वाचन संबंधी जो त्रुटि होती है उसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। डिसग्राफिया, लेखन संबंधी जो त्रुटि होती है डिसग्राफिया कहा जाता है। डिसकैलकुलिया, गणना संबंधी जो भी त्रुटियां होती है वह डिसकैलकुलिया। और डिसफेसिया, वाक अक्षमता में कमी होती है तो वह डिसफेसिया के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा यही पूछा गया था। आगे चलते हैं और अगला हमारा पांचवा पॉइंट है कि डिस्प्रेक्सिया लेखन चित्रण विकार पढ़ने लिखने संबंधी गति दोष आदि समायोजन में कठिनाइयां का दोष है, डिस्प्रेक्सिया हो जाता है। तो डिस्प्रेक्सिया में सभी चीज़ें आ जाती है, ध्यान रखिएगा। डिसआर्थोग्राफिया, वर्तनी संबंधी जो विकार होते हैं त्रुटियां होती है उसको डिसआर्थोग्राफिया कहते हैं। अगला पॉइंट है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, श्रवण संबंधी जो विकार होते हैं यह ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहा जाता है। सेंसरी इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी जो विकार होते हैं उसको सेंसरी इंटीग्रेशन ऑफ और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहा जाता है। और 11 है कि ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर, संगठनात्मक पठन संबंधी जो विकार होते हैं वह ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक शारीरिक रूप से अक्षम नहीं है? अक्षम कौन नहीं है एक शारीरिक रूप से, वो आपको बताना है विकल्प में। तो पठन बाधिर होना एक शारीरिक रूप से असक्षम नहीं माना जा सकता है, ध्यान रखिएगा। बाकी सभी हैं। थ्योरी वाला पोर्शन देखते हैं। पठन आधारित बाधित शारीरिक अक्षमता के अंतर्गत नहीं आता है। शारीरिक अक्षमता के अंतर्गत श्रवण बाधित, वाक बाधित और अस्थि बाधित दृष्टिकोण आदि आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है और छठवां प्रश्न है कि समावेशी कक्षा वह है जहाँ, समावेशी कक्षा वह है जहाँ अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु प्रवेश का निर्माण करते हैं। तो इसका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है छठवां का पहला विकल्प। थ्योरी वाला पोर्शन समझते हैं क्या कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा वह है जहाँ अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैध पूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। शिक्षा का समावेशन यह बताता है कि विशेष शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्रों को समान शिक्षा प्रदान के अवसर मिलने चाहिए, तो ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश डैश के अनुरूप बदलना चाहिए, तो किसके अनुरूप हमें बदलना चाहिए आपको बताना है। तो किसके अनुरूप? तो व्यवस्था एवं बच्चे के अनुरूप हमें बदलना चाहिए। ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। थ्योरी वाला पार्ट देखें। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था बच्चे के अनुरूप बदलाव लाना है। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए सामान्य छात्र एवं एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि समावेशी शिक्षा और क्या भैया, समावेशी शिक्षा जो है कक्षा
सामेसी शिक्षा कक्षा में विविध का उत्सव मनाती है। बी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा, इसका उत्तर पहले ही दिख गया था इसीलिए मैंने सोचा कि इसको बता ही देते हैं। प्रश्न नंबर नौवा कह रहा है कि वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है, तो इसका क्या पर अभिप्राय है, तो सामेसी शिक्षा ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। थ्योरी वाले पोर्शन में हमने इसकी बात किए हैं। प्रश्न नंबर दस करके सभी के लिए विद्यालय में सही सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है, तो वह किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है, तो सामेसी शिक्षा के लिए। ध्यान रखिएगा, थ्योरी वाला पोर्शन देखते हैं। सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा सामेसी शिक्षा के लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। सामेसी शिक्षा का अर्थ है सभी विद्यार्थियों को समान शिक्षा देना या प्रदान करना है। इस शिक्षा में सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जाती है। सभी बच्चों से अर्थ उसके कुछ विशिष्ट हो सकते हैं। शारीरिक विकलांग, मानसिक विकलांग, लिखने पढ़ने में कठिनाइयां महसूस करना तथा जो अन्य बच्चों से कमजोर हो सकते हैं, सामेसी शिक्षा में विशिष्ट उद्देश्य की छुपी हुई योग्यता के उभारना जाना विशिष्ट शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। प्रश्न नंबर 11 और यह कह रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए क्या, तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए शिक्षक के अनुकूल करना चाहिए, शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जिससे शिक्षार्थियों में बदलाव आता हो। बी वाला विकल्प बेस्ट ऑप्शन है, सही हो जाएगा। प्रश्न अब देखिए इसकी व्याख्या, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के अधिगम हेतु शिक्षक को ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिससे शिक्षार्थियों में अधिगम के प्रति सकारात्मक बदलाव आए और वे वातावरण से अनुकूल स्थापित कर सकते। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों में आरंभ से ही असाधारण होने के लाभ प्रदर्शित होते हैं। बाल्यकाल के दौरान ऐसे बच्चे अवधान विस्तार, अच्छी प्रवृत्ति, अप्रत्यागी स्मृति, संवेदनाओं के प्रति अतिक्रियाशील होते हैं, अतः शिक्षक को प्रभावशाली बच्चों को अनुकूलन बनाकर उनमें बदलाव लाना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 12 रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी -- परिभाषा के लिए जानी जाती है। रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी -- परिभाषा के लिए जानी जाती है। किस परिभाषा के लिए जानी जाती थी, तो वह त्रिविमी जो भाषा इन्होंने दिया था उसके लिए जाना जाता है। प्रश्न नंबर 13 और यह कह रहा कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन -- के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो किस प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है, तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है, तो बुद्धि के वितरण वाले सिद्धांत पर यह आधारित है। बी वाला विकल्प 13 का सही हो जाएगा। यहाँ भी वही प्रश्न दिया है, थ्योरी वाला पार्ट देखते हैं। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होता है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम अधिक मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन बुद्धि के चरण के विस्तार प्रतिस्थापन सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन होते हैं, तो जो अपसारी चिंतन करते हैं वो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको समझते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी अपसारी चिंतन के होते हैं क्योंकि स्टैनफोर्ड बिजनेस परीक्षण में उनकी आईक्यू 135 से अधिक होती है। अपसारी चिंतन होता क्या है कि जब किसी बालक को चिंतन के अनेक विकल्प और विचारों को अलग अलग दिशाओं में फैलाने का अवसर दिया जाता है, उसी को अपसारी चिंतन कहा जाता है। ठीक, यानी एक प्रश्न का हल कई तरीके से जो निकाल देता है उसी को अपसारी चिंतन कह सकते हैं बेसिक भाषा में। प्रश्न अगला पॉइंट है अभिसारी चिंतन, केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर चिंतन करना अभिसारी चिंतन कहलाता है। इसमें अधिगम विकल्पों और विचारों के फैलाव का स्थान नहीं होता है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अभिसारी चिंतन होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 15 गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान होता है, यह
वह हो सकता है। आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान कौन सा होगा? तो वह होगा कौन सा, ए वाला विकल्प, अंतः वैयक्तिक हो जाता है। आगे चलते हैं, इसका थ्योरी का पोर्शन देखते हैं। देखिए, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह व्यक्ति जो व्यक्ति के अवबोधन हेतु सर्वाधिक योगदान देता है, अतः अंतः वैयक्तिक हो सकता है। अंतः वैयक्तिक, अतः व्यक्तित्व व्यवहार कर्मचारियों का स्वयं का व्यवहार होता है, जो उनके व्यक्तित्व प्रवृत्तियों अवबोधन प्रेरणा अपेक्षा आंतरिक भावनाओं के फलस्वरूप प्रकट हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 यह कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजन बच्चों की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी, तो कौन सी पद्धति होगी, तो वह कौन सी पद्धति होगी। देखिए, बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। पहला ही ऑप्शन बेस्ट है, ए वाला विकल्प जो है 16 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिए गा। अब आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, यही चीज वहीं पर दे दिया गया है, देख लेते हैं। एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त की बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब उस वह समस्याओं को हल करता है। पहला है जोखिम उठाना, दूसरा है दृढ़ भावनात्मकता अवस्था की स्वीकारता, और सदैव परेशान और कठिन कार्यों को करना, ये हो जाता है। और अगला पॉइंट है कि रहस्यात्मक खोजों के प्रति आकर्षक होना, दृढ़ निश्चय, क्षेत्र बनने की इच्छा और संकल्पी आदि होते हैं। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी थी? पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक रूप से जो उपलब्धि की अवधारणा होती है वो किसने दिया था? तो किसने दिया था? सिरिल वॉट ने दिया था, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा सिरिल वॉट ने दी। इनके अनुसार इस प्रकार के बालकों अपनी आयु की सामान्य बालकों के साथ मिलकर साथ शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में क्या अर्थ है? प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में क्या अर्थ है वो आपको बताना है। तो क्या अर्थ है? तो वह अर्थ है जो कि ऐसी शिक्षार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड होकर छोड़कर आगे उच्च ग्रेड में उन्नति करते हैं, उसी को प्रतिभान बच्चों के संदर्भ में समृद्ध अर्थ दिया गया है। तो 18 का ए वाला विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं यहाँ से 19 कह रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है? तो वह मानी गई है कौन सी, विकल्प थोड़ा देखते हैं। बी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना जो है भौतिक विद्यार्थी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है, गतिविधि मानी जाती है? दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना जो होता है। 19 का हमारा बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बी वाला विकल्प याद दिया है। प्रश्न नंबर 20, 140 से अधिक बुद्धिलब्धि आईक्यू वाले बच्चों किस श्रेणी में आते हैं? तो वह प्रतिभाशाली वाले श्रेणी में आते हैं। 20 का डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, मैंने पढ़ाया हुआ हूँ थ्योरी वाले पोर्शन में, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और 140 से अधिक बुद्धिलब्ध वाले बालक प्रतिभाशाली बालक किस श्रेणी में आते हैं? बुद्धिलब्धि का प्रयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि बालक की मानसिक योग्यता का विकास किस गति से हो रहा है। अगला सूत्र है मानसिक बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। तो ध्यान रखिएगा, मानसिक आयु बटा वास्तविक गुणे 100 होता है, और ये किसने दिया था? तो टर्मन ने दिया था। 140 से ऊपर का प्रतिभाशाली बालक होते हैं, 120 से 140 के बीच अति श्रेष्ठ, 110 से 120 श्रेष्ठ, 90 से 109 सामान्य, 80 से 90 मंद, और 70 से 80
सीमांत मंदबुद्धि वाले 60 से 70 और मंदबुद्धि वाले 25 से 69 हीन बुद्धि वाले और 20 से कम जड़ बुद्धि वाले बालकों को जो है प्रकार बताया है प्रतिशत के आधार पर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता नहीं है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें से कौन सी विशेषता जो है प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता नहीं है, तो वह निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं जो है वो वाला सही नहीं है। तो 21 सा बी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा दिया गया है कि निम्न औसती मानसिक प्रक्रिया प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चे वे होते हैं जिनकी बौद्धिक क्षमता सामान्य बच्चों की अपेक्षा अधिक होती है। उनके अंदर उच्च आत्म क्षमता, उच्चारण श्रेणी की नामिक प्रक्रियाएं तथा अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं के समाधान की क्षमता होती है। टर्मन के अनुसार ऐसे बालकों को बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर मानी जाती है, जो है प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। अगला पॉइंट पर प्रश्न पर चलते हैं। डैश डैश प्रतिभाशाली बाल प्रतिभाशाली होने का संकेत है। तो डैश डैश प्रतिभाशाली होने का क्या संकेत है, तो दूसरों के साथ झगड़ना जो है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ध्यान रखिएगा, मैंने प्रश्न का विकल्प उत्तर पढ़ा थोड़ा सस्पिशन होगा, इसीलिए विकल्प पर ध्यान दिया, प्रश्न पर ध्यान दिया तो नहीं दिया था, इसीलिए हमारा बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। आगे इसको समझते हैं। दूसरों के साथ झगड़ना यह प्रतिभाशाली छात्र का लक्षण नहीं है। यदि कक्षा में झगड़ना जैसी स्थिति पैदा हो भी होती है तो ऐसे छात्र अपने विवेक तथा बुद्धि से उसे शांत करने का प्रयास करते हैं। सृजनात्मकता, विचार अभिव्यक्ति में नवीनता, सहनशीलता, ज्ञान जिज्ञासा आदि प्रतिभाशाली छात्रों की विशेषताएँ है, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 23, डैश डैश के कारण प्रतिभाशाली होते हैं। डैश डैश के कारण प्रतिभाशाली बालक किससे होते हैं, तो वह होते हैं 2 और 3 वाला जो संयोजक होता है उससे होते हैं। डैश डैश के कारण प्रतिभाशाली बालक होते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और अगला हमारा पॉइंट देखते हैं, 23 का डी वाला विकल्प। बालक की प्रतिभाशाली में आनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा दोनों प्रकार का दोनों का महत्वपूर्ण होता है। ये दोनों एक दूसरे के सामूहिक रूप से पूरक होते हैं। बालक के व्यवहार की प्रत्येक विशेषता इन्हीं अंतःकरण का परिणाम होता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 24 वाला देखते हैं, लास्ट वीडियो का ये प्रश्न है। कौन सा उदाहरण भाषाई बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। भाषाइक बुद्धि वाले व्यक्ति को कौन सा विकल्प दर्शाता है वो आपको बताना है। तो देखिए, शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोग के प्रति संवेदनशील होता है, उसी को भाषाई बुद्धि वाला व्यक्ति दर्शाया जाता है या माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और भाषाई बुद्धि से तात्पर्य शब्दों व वाक्यों की बोधगम्यता है से है। शब्दों के अंत और क्रम तथा भाषा के विरुद्ध प्रयोगों के प्रति संवेदनशील भाषा बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। तो ये थे हमारे जो समावेशी शिक्षा के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, वो आज हमारा पूरा हो गया। तो ध्यान रखिएगा, इसकी PDF टेलीग्राम पर मिलेगी, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।